मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। निवेदन करता हूं धर्म प्रकाश वाजपेयी जी से कि वे पुस्तक के बारे में अपने विचार रखें। ये लेखक का बहुत बड़ा सपना होता है, लिखते लिखते रातें गुजर जाती हैं, दिन गुजर जाते हैं, और तब कहीं सौभाग्य होता है उस लेखन का पुस्तक रूप में प्रकाशित होने का। मैं अब जोरदार तालियां चाहता हूं श्री वाजपेयी जी के लिए। परम आदरणीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिंदी के कालजयी रचनाकार, हम सबके प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, मंच पे विराजमान दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर देव प्रकाश और मेरे अजीज मित्र 30 साल पुराने डॉक्टर देव प्रकाश मिश्र जी, मेरे अजीज मित्र प्रवासी संसार पत्रिका के संपादक तथा अवध के क्षेत्र में सांस्कृतिक आंदोलन चलाने वाले अजीज मित्र डॉक्टर राकेश पांडे जी, देश के वरिष्ठ समाज सेवी तथा राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सहयोग सेल के संयोजक, मेरे अति प्रिय सम्मानित जिनके प्रति मैं बहुत श्रद्धा का भाव रखता हूं, आदरणीय श्री सुरेश श्रीवास्तव जी, मेरे प्यारे इस आज के कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले सारे मित्रों, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज ऐसा मंच है जहां पर मेरे 30 से 35 वर्ष पुराने मित्र भी मौजूद हैं। बहुत सारे मित्र मेरे जीवन के विभिन्न पड़ावों के मित्र मुझे दिखाई दे रहे हैं इस कार्यक्रम में। किसी भी कवि के लिए या किसी भी साहित्यकार के लिए या किसी भी उस व्यक्ति के लिए जिसके दिल में साहित्य के प्रति, समाज के प्रति हित का भाव है, साहित्य समाज के प्रति हित का भाव दर्शाता है, जिसके दिल में भी, जिस भी व्यक्ति के दिल में समाज के प्रति हित चिंतन हमेशा उद्वेलित होता है, वो स्वतः ही साहित्य लिखता है। और साहित्य के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं, कोई कहानियां लिखता है, कोई कविताएं लिखता है। मेरे दिल में हमेशा समाज, साहित्य और जनता के सरोकार, छात्र जीवन से ही मेरा संबल रहे। हमेशा जब भी मुझे कोई समस्या कहीं पर भी नजर आती तो हमेशा यही सोचता कि मैं उस समस्या का समाधान कैसे अच्छे से कर सकता हूँ। समाज के हित में चिंतन करना छात्र जीवन से ही मुझे आया, तो समाज के हित में चिंतन करने के लिए कविता सबसे स्वाभाविक भावाभिव्यक्ति का माध्यम है, भावाभिव्यक्ति का बहुत अच्छा माध्यम है कविता। मेरे लिए कविता तो विद्यार्थी जीवन से वोट मांगने का भी एक जरिया थी। जब मैं कोई भाषण देता था पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो कविताएं स्वतः ही निकल जाया करती थी। और ये सब चीजें, ये जो रचनाएं, ये जो रचना धर्मिता है मेरी, बहुत बाल काल्य से ही है। 13 साल से मैं रचनाएं लिख रहा हूं। 13 वर्ष में मेरी पहली रचना दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई थी। तब से 1990-92 के बीच में मैंने लगातार कविताएं लिखी, आज भी लिखता हूं, लेकिन अब कविताओं का स्वरूप बदल गया है, क्योंकि आजकल तो जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे कार्यानुभव हैं। और सुबह शाम अगर कर्ल ग्रेडियंट, मैंने लिखा भी अपनी किस काव्य पुस्तक में कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस के बारे में बातें करूं तो कविता कहाँ आती है। सुबह शाम मैं डेल डॉट ई और डेल क्रॉस ई की बातें करता हूँ, डेल डॉट ई डाइवर्जेंस और कर्ल, डाइवर्जेंस और कर्ल से हटकर कविता की दुनिया में आना। तो ये कविताएं मेरी 80 से 90 के दौरान जो मैंने रचनाएं लिखी थी उनका संग्रह है। लगातार इन 3 वर्षों में कुछ ना कुछ तो कविताएं मैं लिखता रहा, बहुत सारी तुकबंदियां लिखता रहा। फिर मैं अभी बहुत सारे साहित्यकारों के संपर्क में आया, बहुत लगातार साहित्यिक मंचों में शामिल होता रहा। उनका लगातार प्रेशर रहा इतने सालों से कि जितनी रचनाएं लिखी हैं तुमने, 300 से ज्यादा रचनाएं लिख रखी हैं, तो उनमें से सिर्फ 130 संकलित करी हैं। अभी बहुत सारी और भी संकलित होना बाकी है। अभी बैनू लाल जी गर्ग हैं, हमारे बाल साहित्यकार भीलवाड़ा में रहते हैं,
वो कह रहे हैं हमने बाल गीत संग्रह भी बहुत जल्दी छपवा लो, तो बाल गीत संग्रह दूसरा इस संग्रह के बाद बहुत शीघ्र ही 3 महीने के अंदर दूसरा संग्रह भी मेरा ऑलमोस्ट प्रकाशित होने जा रहा है। मैं तो ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त है। माननीय अध्यक्ष जी ने भी बहुत समय कम समय दिया है और विशिष्ट अतिथि जी का भी समय और सबका समय महत्वपूर्ण है। तो कविता भावाभिव्यक्ति का अच्छा माध्यम है और कविता क्या है, कविता में क्या क्या कहा गया है, मैंने मेरे भावों का प्रचार का बहुत अच्छा माध्यम था ये। अभी जब कवियों को मंच दिया जाएगा, ये मंच थोड़ी देर बाद पहला कार्यक्रम, जैसे आदरणीय डॉक्टर मधुर जी ने बताया कि पहला कार्यक्रम पुस्तक का लोकार्पण है, पुस्तक का लोकार्पण होगा, आपके हाथ में पुस्तक होगी, तब उस पुस्तक से भी मैं कई सारी रचनाएं 5-7 मिनट जो मंच मुझे प्रदान करेगा उसमें मैं पढ़ूंगा। ये रचनाएं राजनीतिक हृदय का भाव भी है, मैं इस तरीके से भी कहूँ कि एक राजनीतिक हृदय जो सामाजिक सरोकारों के साथ हमेशा संलग्न रहा है उसके पूर्व के चीजें भी हैं इसमें, मैं इसको थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अभी बस मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी इस कार्यक्रम में आकर हौसला अफजाई करी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।